सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसी है हमारी पब्लिक, आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। बाकी भाई आपका भी मज़े में है। तो हम नेक्स्ट व्लॉग यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो भाई अभी कुछ ऐसी जगह पे ऐसी भाई सभी अपने इंजॉय कर रहे हैं, नहाने की तैयारी है इसकी। तो बाकी गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो। तो बाकी भाई को सपोर्ट करो यार ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी यार अपनी गाड़ी के साथ बहुत हो चुका है, सीट उसे उससे बची है, छोटा भाई चला रहा था भाई, तो इसीलिए मुझे भी श्रीनगर निकलना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी नुकसान हो गया 20-25 हज़ार रुपये का यार। तो चलो क्या करना, अब वो दोबारा से हम कराएंगे भाई, दोबारा से मॉडिफिकेशन होगी, अब क्या करेंगे, जितनी बार जो उखाड़ेंगे उतनी बार नया लगाएंगे। तो बाकी व्यू चेक करो गाइस यहाँ का, अभी हम कुछ ऐसी लोकेशन पे खड़े हैं पीर गली से आगे। तो बाकी ये भाई आधे रास्ते से चले जाएंगे अनंतनाग, तो मैं चले जाऊँगा अपने रूम पे क्योंकि इनके पापा की ड्यूटी है वहाँ पे पहलगाम में, तो ये उनके पास जाएंगे, वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं इनको भाई। तो चलो व्यू चेक कराते हैं आपको, फिर मिलते हैं आपसे आगे। चल कहीं व्यू चेक करो यार, क्या व्यू है भाई। इधर बहुत ज़्यादा पानी होता था, अभी कम हो गया क्योंकि बर्फ़ वगैरह जितनी भी सभी पिघल चुकी है। बाकी ये रही अपनी गाड़ी, तो मिलते हैं फिर आपसे, थोड़ा रील वगैरह एक दो शूट करके आगे मिलते हैं फिर आपसे। बाकी पानी चेक करो यार, प्योर पानी है। चेक करिए हमारे व्लॉगर की हाल, देखिए वीडियो ऐसे नहीं बनती है, देखो बंदा कितना पापड़ फेर रहा है। अभी अभी आपके लिए शूट कर रहा था, गिर गया है, और गिरा भी कहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह, ये चेक करो यहाँ जाके गिरा है, डूब के लग गई है, चोट आई है बहुत ज्यादा। चलो कोई नहीं, व्लॉगिंग करनी है, ये कुछ तो होगा भाई, सिस्टम तो है, सिस्टम। सो गाइस अभी खाना वगैरह खा के निकल चुके हैं हम एयरपोर्ट से, तो अभी आपको बताते हैं भाई, अभी मैंने तो रास्ते में उतर जाना, बाकी ये भाई जाएंगे पहलगाम, कल ही आ जाएंगे श्रीनगर, कल फिर हम वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। बाकी चलो किसी बाग के पास रुकेंगे तो आपको बताएंगे भाई, एप्पल गार्डन, इस वक्त अगस्त मंथ में भाई एप्पल तैयार हो जाते हैं, तो चलो निकलते हैं यहाँ से फिर आपको बताएंगे। बाकी ये शुपियाँ नंबर वन है एप्पल के मामले में भाई, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। वो वीडियो 3,70,000 हो गई, आई है वीडियो, आई है यार, रास्ता में नगड़ी है, बंद करो तुम। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं शोपिया में, तो यहाँ से हमें जाना है अनंतनाग। तो भाई हम जा रहे हैं अंदर अंदर से इसी बात कटे हैं, तो भाई शोपिया की मार्केट चेक करो, ये हमारे आगे एक पागल है गाड़ी वाला, चल नहीं रहा अच्छे से, तुम अपने साथ ही हैं, तो चलो ये चेक करो गाइस शोपिया मार्केट। बाकी गाइस ये आगे मस्जिद शरीफ जामा मस्जिद शोपिया, ये आ गया घंटाघर। तो अभी हम मार्केट से चल रहे हैं, इनको अनंतनाग तक छोड़ के फिर मैं वापस चले जाऊंगा रूम पे। तो बाकी जाम वगैरह लगा हुआ है सिटी में काफ़ी, यहाँ से निकलते हैं फिर मिलते हैं आपसे आगे चल के। आप देख सकते हो ये हम शोपियां जो नजर है, शोपियां में भी क्लॉक टावर नॉट घंटाघर भाई साहब, हमारी भाषा में देसी भाषा में इसको बोला जाता है घंटाघर, फेमस होता है घंटाघर ना हर जगह पे, अभी ये हर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है घंटाघर, पहले ये सिर्फ लाल चौक घंटाघर होता था, अभी ये हर डिस्ट्रिक्ट में बन चुका है। बाकी गाइस को चेक कराओ, केले में मार्केट चेक करो, माउदेव बच्चे व्यू चेक करो, बच्चे तको है शॉपियां दी मार्केट तको, माउदेव बच्चे चेक दिस व्यू गाइस,
आपके भाई ने आज काफी ज्यादा एंजॉय किया क्योंकि अपने दोस्त वगैरह थे साथ में, तो आगे पीछे तो इतना मजा आता नहीं है, इसीलिए हम आज वीडियो के दो पार्ट बना रहे हैं। बाकी पता नहीं है हमें इस रास्ते का, मुझे भूल गया है, मैं आता जाता रहा यहाँ से, लेकिन अभी मुझे भूला हुआ है क्योंकि मुझे रात का खाना खाया हुआ याद नहीं रहता। तो बाकी भाई को रास्ता भूला हुआ है, लेकिन चलो हम अपने कश्मीरी भाइयों से पूछते चलेंगे, व्यू चेक करें, कश्मीरी भाइयों से पूछते चलेंगे। किसी भाई को सामान शमान लेना है तो वो भी ले सकता है। बाकी हम जा रहे हैं कुलगाम सीधे, तो ये इन्हें बोर्ड पे लिखा हुआ कुलगाम सीधा, रजौरी उधर, हाँ उधर गया। अच्छा हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं? आई डोंट नो ब्रो। चलो हम जीपीएस लोकेशन लगा लेंगे अभी, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं सभी जितने भी हैं, तो किसी भाई से पूछते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रास्ता भूल गए तो वो अच्छा नहीं रहेगा। चाचा चाचा हमें अनंतनाग जाना, ब्लॉग में जितना ब्लॉग जर्सी जर्सी में मिल भाई आपका मार रहा लड्डू काटा भी। चलो करते हैं हम इसको यहीं पे, मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइस ये चेक करो, फ्रेश एप्पल भाई, कश्मीर की आन शान जान सब कुछ ये एप्पल ही है। बाकी ये चेक कर सकते हो, अभी रेड नहीं हुए, किसी किसी जगह पे रेड हुए हैं, लेकिन आम ज़्यादातर जगहों पे रेड नहीं हुए हैं। तो गाइस चेक करो यार, इस बार काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं एप्पल, क्योंकि भाई बारिशें ज़्यादा रही हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कम है। बाकी ये पेड़ जो हैं ये भरे होते हैं, ये पा गया पूरा, ये चेक करो गाइस। माऊ देव बचो, चेक करो सेब एप्पल ट्रीज। बाकी ये देखो ये थोड़े बहुत रेड हुए हैं, ये फ्रेश एप्पल, ये चेक करो गाइस पूरा बाग है एप्पल ट्री का। ये पूरा शोपियां डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एप्पल ही एप्पल है। ये देखो ये रेड हुए हैं। चेक कर सकते हो आप एप्पल वैली भाई साहब, कितना मजा आ रहा है भाई, कितना मजा आ रहा है आप लोगों को? मजा तो आ रहा है लेकिन कोई खाने नहीं दे रहा। खाने एवन खाल ना वे एवन खाल को भी देखेंगे बागे जी। गाइस अभी हम किसी से एप्पल मांगने वाले हैं क्योंकि भूख लगी है काफी ज्यादा, अब बागान में कोई होना चाहिए जिससे हम मांगेंगे, क्योंकि मांगेंगे खाने वो अच्छे हैं, ऐसे कोई हमारे पीछे लगेगा अगर हम चोरी करेंगे तो। ये चेक करो बागान भाई, अभी हम दो खतरनाक नाकों से निकल के आ चुके हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बनाने देते हैं। तो बाकी अभी मांगते किसी से सेब, काफी अच्छा हो गया हमने किसी से एप्पल मांगे ही नहीं भाई, तो अभी कोई बाग देखते हैं जहाँ पे कोई होगा उससे मांगते हैं, खाते हैं एक एक, फिर निकलते हैं एनर्जी बना के। तो ये चेक करो एक बार, ये थोड़ा सा सेब खा दे, हमारे नाल कोई ऐसे है बंदा एक, अकेले अकेले गाइस अब यहाँ हमको दिखाते हैं रिएक्शन, जो हमारी गाड़ी पे रिएक्शन आने वाला है, देख सकते हो आप, वाह जो भी जा रहा है मोड़ के देख रहे हैं, तो मोड़ के देख रही है और देख रहा पब्लिक के अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं हमें। अभी हम पहुंच चुके हैं खन्ना बाल चौक से पहले ही, ये पुलगामा से जो आके रोड निकलती है कुलगाम से सॉरी, तो भाई अभी जा रहे हैं ये अपने पापा के पास, पापा से मिलेंगे फिर कल आएंगे ये मेरे पास श्रीनगर में, फिर हम घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। तो चलो हम निकलते हैं, तो इनको भी बाय बाय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं एक तवेरा में, तो ये जा रही है श्रीनगर, इसी में अब मैं जाता हूँ श्रीनगर भाई, उनको छोड़ दिया वहाँ पे, तो वो जा रहे हैं अब अपने पापा के पास,
तो चलो निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है क्या नहीं। तो बाकी अभी पंथा चौक पहुँच चुके हैं हम। तो भाई साहब अब एक और गाड़ी चेंज की है, पहले वाली गाड़ी ने आधे रास्ते में उतार दिया पंथा चौक में, अब पंथा चौक से मैंने दूसरी गाड़ी चेंज की तवेरा, अभी पता नहीं एक और कोई चेंज करनी पड़ेगी। तो बाकी चलो यहाँ से निकलते हैं, तो बाद में मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी भाई आपका पहुँच चुका है श्रीनगर में। तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चेंज करने के बाद हम पहुँचे हैं अपने ठिकाने पे, अभी बैठे हुए हैं ऑटो पे, पहले एक तवेरा फिर उससे पहले भी तवेरा। तो फाइनली हम रूम के पास पहुँच चुके हैं, तो इस व्लॉग को भी हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी अच्छे से नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टाटा। तो चलो पहुँचते हैं रूम पे। 2000 years later. एक बार भाई ने फिल्म चढ़ाई है, वो फिल्म अच्छी नहीं लग रही थी कुछ, वो उतार दी हमने, तो अब नई फिल्म चढ़ा रहे हैं। भाई यार गाड़ी का बहुत बुरा हाल कर दिया ट्रैफिक वालों ने भाई, तो भाई निकाली हुई है क्या भाई। अभी मौलवी चला रहा था, उनने सीज नहीं की, अगर मैं चला रहा होता वो सीज होनी थी, गाड़ी सीधी। लेकिन गाड़ी का इतना बुरा हाल किया है ना कि पूछो मत। तो भाई आपका अभी है मैसुमो में, ये भी उतार रहे थे, ये बोनट वाइजर जो लगा हुआ ये भी उतार रहे थे। उतार लेते भाई जब इतना नुकसान कर दिया था, ये भी उतार लेते, उनको थोड़ी पता है कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, कितना खर्चा होता है गाड़ियों पे। उतारते 2 मिनट लगते हैं, लेकिन पता उसको चलता है जो पैसा खर्च करता है गाड़ी पे। अगर गाड़ी पे पैसा भी ना लगाया हो फिर ये लोग बोलते हैं ये गाड़ी फेल है, ये पास ही नहीं है, इसको ये है, इसको वो है। भाई सो प्रॉब्लम निकालते हैं, जब गाड़ी को थोड़ा ठीक ठाक रखो कंडीशन के हिसाब से, तो फिर भी इन लोगों को तकलीफ है। चलो भाई जैसे इनका दिल करे करने दो। और भाई खास करके ना जम्मू का बंदा बोल रहा था सीज करनी है, ठीक है, एक सरदार जी थे जम्मू के, वो बोल रहे थे सीज करो, लेकिन कश्मीरी भाई थे अपने कुछ, उनने बोला नहीं सर अब उखाड़ दिए सब कुछ, तो अब क्या सीज करनी। चलो यार करने तो जिसको जो करता है, हमें अपना काम से मतलब है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये एक होता है इंसानियत होती है भाई, चलो अपने का अपना ही बैरी होता है।